Good morning, everyone. Welcome to plus two tutorial electrochemistry. Chapter was going on. So, in last tutorial, we discussed about electrochemical series. In this tutorial, we will discuss about Faraday's law. Faraday's uh, first law is according to Faraday's first law, the amount of substance deposited. और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रॉन इज डिरेक्टली परपोर्शन टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन मान लीजिए जी हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है यहाँ पे हमने टू रोड्स रख दी और इनमें से करंट पास करना स्टार्ट कर दिया अब फेरडे क्या बोल रहे हैं इसमें से जो भी करंट क्या होगा हमारा पास होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके वेट के जैसे मान लीजिए ये रोड है इसमें से आइंस रिमूव हो रहे हैं आयंस क्या हो रहे हैं रिमूव हो रहे हैं जितना मास डिपॉजिट होगा मीन्स लिबरेट होगा रिमूव होगा वो किसके डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा जितना इसमें से क्या होगा करंट पास होगा ये कौन बता रहे हैं हम हमें फेरेडे फेरेडे इज फर्स्ट लॉ मीन्स वेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू क्यों अब हम प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या लगाएंगे कुछ ना कुछ कॉन्सटेंट लगाते हैं ना तो हम यहाँ पे एक कॉन्सटेंट लगा देंगे ये जेड क्लियर Z क्या है हमारा इकोवेलेंट कांस्टेंट क्या है इकोवेलेंट कॉन्सटेंट क्यों क्या हो गया चार्ज जितना फ्लो कर रहे है चार्ज के अकॉर्डिंग ही उसका करंट फ्लो करेगा W क्या है हमारा वेट ऑफ इलेक्ट्रोड जितना डिपॉजिट हो रहा है सोल्यूशन में जा रहा है डेट इज अ वेट ऑफ इलेक्ट्रोड तो अगर हमने जेड की वैल्यू निकालनी हो इकोविलेंड कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम किधर ले जाएंगे जेड को एक साइड में रख लेंगे क्यों को दूसरी साइड में ले जाएंगे जेड इज इक्वल टू डबल्यूपॉन क्यों इकोविल्ड कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है अगर तो क्यों को हम दूसरी ऑपोजिट साइड में ले जाएंगे क्लियर अगर हमारे पास करंट है जो क्यों वन कूलम क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है हमने मान लिया हमारे पास करंट कितना फ्लो कर रहा है वन कूलम क्या फ्लो कर रहा है करंट चार फ्लो कर रहा है तो हमारे पास जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी वेट की मीन्स जितना वेट है उतना क्या आएगा हमारे पास इक्वेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू आएगी क्लियर अब चार्ज देखिए वन मोल में कितना होगा हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ पहले चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन ये हमने फाइंड आउट करना है कितना आएगा क्लियर अगर हम चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन देखें चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितनी होती है इसके लिए वैल्यू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस नाइनटीन कूलम अगर वन मोल में देखना हो कितना चार्ज होता है वन मोल में किसके इक्वल होते हैं के नंबर है? के, के इक्वल तो कितना आ जाएगा सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन एस टू पावर ट्वेंटी थ्री वन मोल के लिए इतना इतनी वैल्यू होती है चार्ज की अगर चार्ज की वैल्यू वन इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है तो इतनी तो वन मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके लिए वैल्यू निकालनी है तो दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिक्स पॉइंट जीरो ट्वेंटी थ्री इंटू टेन एज टू पावर ट्वेंटी थ्री इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस नाइन अब इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए सॉल्व करके हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी नाइन सिक्स फोर एट सिक्स ये वाली वैल्यू आ जाएगी बट एक्चुअल में हम इसे राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू लेते हैं हम नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो बात समझ में आई इतनी वैल्यू आई इसको सॉल्व करके चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन इसको सॉल्व करके इतनी वैल्यू आई इसको क्या कर लिया राउंड ऑफ कर लिया राउंड ऑफ करके हमारे पास कितना आ जाएगा नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो इस वैल्यू को हम आगे यूज करेंगे क्लियर तो चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन कितना आया हमारा नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो बात समझ में आई पहले हमने क्या निकाला वेट निकाला वेट के बाद हमने इक्वेलेंट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली उसके बाद हमने क्या निकाला जो चार्ज हमारे पास फ्लो कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना था पहले एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देख ली चार्ज की चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू देख ली इतनी होती है मोल की वैल्यू किसके इक्वल इक्वल होती है एवोगाड्रो के number, number के नंबर नंबर सो हम चार्ज ऑन मोल फाइंड आउट कर सकते हैं से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो क्लियर अब आगे देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं उसके लिए जेड की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं देखिए एग्जांपल के साथ अब देखिए हमने मान लीजिए एग्जाम्पल ले ली सोडियम की सोडियम की सोडियम प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है इट मींस इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गेन करके क्या बना देगा हमारे पास इनने बना देगा तो वन मोल इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी है वन मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम किसकी वैल्यू लेंगे वन मोल ऑफ सोडियम लेंगे वन मोल ऑफ सोडियम है सोडियम की वैल्यू निकालनी हम चार्ज की वैल्यू क्लियर तो हमारे पास कितनी वैल्यू है वन मोल इलेक्ट्रॉन की पीछे अभी अभी हमने निकाली है नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो इतने में इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में सोडियम की वैल्यू कितनी है सोडियम का मास कितना है इस वन मोल के लिए वन मोल था इतने के लिए कितना है ट्वेंटी थ्री ग्राम इतने ग्राम होते हैं ना क्लियर सोडियम का मास तो वन मोल के वन कूलम चार्ज के लिए निकालना हो अगर हमने किसके लिए निकालना है वन कूलम चार्ज के लिए निकालना है इट मीन्स उसकी इक्वेलेंट वैल्यू आगी इक्वेलेंट वैल्यू निकालनी है तो इसको क्या कर देंगे डिवाइड ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो अगर इसको वन से मल्टीप्लाई कर दूं, वन का मतलब उसका एन फैक्टर एन फैक्टर मीन्स लास्ट में हमने नॉर्मेलिटी के नूमेरिकल्स किए थे नॉर्मेलिटी के नूमेरिकल्स में हमारे पास इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते थे किसके इक्वल बोला था उसके मोलर अपॉन उस पर कितना चार्ज आता है यही बोला था ना? तो यहाँ पे सोडियम पे चार्ज कितना है वन पॉजिटिव इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया गेन करके क्या बन गया एन ए क्लियर तो क्या आ गया ये इसको एंड फैक्टर बोलते हैं क्लियर तो एक और एग्जांपल ले देते हैं उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा फिर इसके लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे बनाएंगे देखिए एग्जांपल मैग्नीशियम की सेम ऐसे ही करना है मैग्नीशियम का भी टू पॉजिटिव चार्ज है इट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा गेन करेगा क्या बना देगा मैग्नीशियम बना देगा इट मीन्स इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टू इट मीन्स टू मोल इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे टू मोल इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नीशियम की वैल्यू वन मोल बात समझ में आई वन मोल मैग्नीशियम सो हमने कितने के लिए निकालनी है फ्राइडे के अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास वन मोल चार्ज के लिए नाइन सिक्स फाइव ज़ीरो ज़ीरो तो उसके लिए निकाल लीजिए कितनी आएगी मैग्नीशियम की ट्वेंटी फोर ग्राम्स यहाँ पे अब हमारे पास टू मोल इलेक्ट्रॉन है सो so, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू से बात क्लियर हुई यहाँ पे हमारे पास ऊपर तो हमारे पास वन कूलम था वन था क्लियर तो यहाँ पे वन वैल्यू लगा दी यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टू इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे हमने वैल्यू लगाई टू क्लियर तो हमने किसके लिए निकालना है वन कूलम के लिए निकालना है? है इसको उधर डिवाइड कर दे ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई नाइन सिक्स फाइव ज़ीरो ज़ीरो इंटू क्या आ जाएगा टू जेड किसके लिए होगी इकोवलेंट मास की वैल्यू मैग्नीशियम के लिए बात क्लियर हुई ये उसका क्या है मोलिकुलर मास ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मोल्स में वैल्यू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मोल एंड ये क्या है हमारे पास एन फैक्टर तो हम सभी के लिए यही फॉर्मूला क्या करेंगे यूज़ करेंगे किसकी वैल्यू निकालने के लिए इकोविलेन वैल्यू मास की वैल्यू निकालने के लिए तो कौन सा फॉर्मूला बना हमारे पास जेड इज इक्वल टू उसका मोलर मास अगर एटम है तो उसका हम क्या ले लेंगे एटॉमिक मास ले लेंगे अपॉन नाइन सिक्स फाइव ज़ीरो जीरो इंटू एन एफ एन एफ का मतलब एन फैक्टर और चार्ज ऑन एलिमेंट एलिमेंट पे जितना भी चार्ज है वो हम एन फैक्टर में क्या कर देंगे पुट कर देंगे क्लियर अब हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई तो हमने वेट की वैल्यू निकालनी है वेट किसके इक्वल था W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू यही थी उसकी वैल्यू जेड इन टू क्यू तो इसमें Z की वैल्यू क्या कर दें ये वाली पुट कर दीजिए Z की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आएगा डब्ल्यू इजिकल टू मोलर मास इंटू क्यू क्यों की हम बाद में वैल्यू पुट करते हैं यहां पे क्यों ही पुट कर दो चलो फिर बताती हूँ इसका फॉर्मूला और क्या होता है ये आ गया इंटू एन एन्ट फैक्टर क्लियर ये किसकी वैल्यू आ गई वेट की उसके बाद देखिए क्यू हमारे पास किसके इक्वल है क्यू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके इक्वल है आई इंटू टी आई इंटू टी मीन कितने टाइम पे कितना करंट क्या कर रहे है फ्लो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास डब्ल्यू टू मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो इंटू एन एफ तो ये क्या गई हमारे पास मोलर वैल्यू क्लियर अब एक और बात देखिए यहाँ पे हमारे पास मोलर मास है यहाँ पे हमारे पास एन फैक्टर है एन फैक्टर का मतलब जितना उस पर चार्ज है मोलर मास पॉन एन फैक्टर मीन्स चार्ज किसके इक्वल होता है बेटा नॉर्मेलिटी में किया था इकोवेलेंट वेट के इक्वल तो इन दोनों के प्लेस पे हम इकोवेलेंट की वैल्यू राइट कर सकते हैं कोई डाउट तो नहीं इसमें अगर हम पुट कर दें क्या आगे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू ई एम इंटू आई इंटू टी अपॉन नाइन सिक्स फाइव ज़ीरो ज़ीरो क्या आगे मास की वैल्यू क्या कर दी मैंने पुट कर दी क्योंकि हमारे पास क्या है e इक्विवेलेंट मास वी कैन से इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर और वी कैन से चार्ज ऑन एलिमेंट क्लियर तो इसमें मैंने किसकी वैल्यू पुट कर दी इक्विवेलेंट मास की क्लियर क्या आ गया अब हमारे पास वेट आ गया किसकी फॉर्म में इक्विवेलेंट वेट की फॉर्म में उसके बाद देखिए मैं इस फॉर्मूला को दोबारा राइट कर रही हूँ इससे एक और फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे सो so, जल्दी से इसे राइट कीजिए देखिए क्या फॉर्मूला था वेट का एम एम मोल्स इंटू क्रंट इंटू टी अपॉन नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो इंटू एन एंट फैक्टर अब देखिए अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को वेट वाली साइड में ले जाऊं कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें नंबर ऑफ मोल्स को इस साइड में ले जाऊं क्या कर दो डब्ल्यू अपॉन एम एम इजिकल टू आई इंटू टी अपॉन नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो इंटू एन एफ अब ये क्या बना हमने मोल्स का फॉर्म मोल का फॉर्मूला किया था गिवन मास अपॉन उसका मोलिकुलर मास किया था तो ये वही बना गिवन वेट कितना है डब्ल्यू मोलर मास कितना है हमारे पास मोलर मास इक्वल टू एम एम तो ये क्या आगे नंबर ऑफ मोल्स आगे इसको मैं एन लिख दूँ राइट कर दूँ बात समझ में आई वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन क्या आ गया हमारे पास मोलर मास तो इसकी प्लेस पे मैं नंबर ऑफ मोल्स राइट कर सकती हूँ एन राइट कर सकते हैं हम एन राइट कर दीजिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा आई इंटू टी अपॉन नाइन सिक्स फाइव ज़ीरो ज़ीरो इंटू एन एफ तो ये वैल्यू किसके लिए आ गई हमारे पास नंबर ऑफ मोल के लिए तो अगर हम इसको देखें नंबर ऑफ मोल है किस पे डिपेंड करते हैं ये तो तीनों हमारे पास क्या हो गए कॉन्सटेंट हो गए हो गए कॉन्सटेंट मान लिए तो किस पे डिपेंड करेंगे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एन सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके एन एफ के नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एन फैक्टर फैक्टर चार्ज तो अगर हमने इसकी वैल्यू कैथोड और एनोड के लिए लेनी हो तो हम क्या लेंगे बेटा देखिए तो इसकी एन फैक्टर की रेशियो भी क्या आ जाएगी हमारे पास रेशो में हमने नंबर ऑफ मोल्स की कैथोड के लिए नोड के लिए वैल्यू राइट करनी है तो इस फॉर्मूला से राइट करेंगे कैसे एन सी फॉर मीन्स नंबर ऑफ मोल्स फॉर कैथोड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनोड इज इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ एनोड अपॉन एन फैक्टर ऑफ कैथोड क्योंकि एक दूसरे के क्या है इनवर्सली प्रपोर्शन क्लियर तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला आ गया ऐसे भी हमने आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सो so, इसे भी ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए क्लियर तो ये था हमारे पास फेरडेस फर्स्ट लॉ इसके अकॉर्डिंग हमने वेट की वैल्यू निकाली और इको मास की वैल्यू निकाली और क्या निकाला हमने नंबर ऑफ मोल्स फॉर कैथोड एंड एनोड क्लियर नेक्स्ट देखे है फेरडेस सेकेंड लॉ नाउ अकॉर्डिंग टू फेरडेस सेकेंड लॉ फॉर एनी सीरीज कनेक्शन सीरीज कनेक्शन मीन्स जो हमने इलेक्ट्रॉड्स लेने हैं वो सीरीज में लगाने हैं फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ़ टू और मोर देन टू सेल द रेशो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेट एड द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू देयर मास इकोविलेशो इट मीन्स इलेक्ट्रोड के वेट की रेशो किसके इक्वल होगी हमारे पास मास की रेशो के इक्वल होगी पहले एग्जाम्पल लेते हैं डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमने कैसे सीरीज में लगाने हैं ये हमने दो बीकर्स ले लिए इसमें इलेक्ट्रोड्स ले लिए इलेक्ट्रोड्स को किस में लगाना है हमने सीरीज में कनेक्ट करना है देखिए इसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया इसको एक बैटरी के साथ क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे क्लियर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं इस पे भी क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कौन सा नेगेटिव टर्मिनल कैथोड तो ये कौन सा हुआ पॉजिटिव मीन्स एनोड सेम इस साइड में पॉजिटिव मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारे पास पॉजिटिव मीन्स एनोड ये कौन सा हो गया नेगेटिव नेगेटिव मीन्स कैथोड क्लियर तो अब यहाँ पे करंट फ्लो कर रहे हैं किस में सीरीज में तीनों इलेक्ट्रॉन चारों इलेक्ट्रॉन्स किस में है सीरीज में है तो हमारे पास कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा कितने टाइम पे वो हमने देखना है इसने फेरेडे ने क्या बताया है जो इसका हमारे पास मास होगा मान लीजिए इसका ए प्रोडक्ट मिला इसका बी मिला इसका सी मिला इसका डी मिला क्लियर तो इनके ए बी सी डी के वेट की रेशो डब्लू ए डब्ल्यू वी इसका वेट बी का डब्ल्यू सी डब्ल्यू डी चारों के वेट की रेशो अकॉर्डिंग टू लॉ किसके इक्वल है मैंने बताया अभी अभी इक्विवेलेंट मास की रेशो के इक्वल किसके इक्वल है इक्विवेलेंट मास ऑफ ए रेशो इक्विवेलेंट मास ऑफ़ बी रेशो इक्विवेलेंट मास ऑफ सी रेशो इक्विवेलेंट मास ऑफ डी बात समझ में आई और जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा सेम होगा करंट की वैल्यू आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास इसमें सेम होगी जब सीरीज में क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं सीरीज में इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं तो टाइम भी क्या लेगा सेम लेगा सब में क्लियर बात समझ में आई अब डेफिनेशन क्लियर हुई अगर सीरीज में इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसके वेट की वैल्यू वेट की रेशो की वैल्यू रेशो लेनी है हमने फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू सेल रेशियो ऑफ देर रिस्पेक्टिव वेट वेट की रेशियो लेनी है एनी इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू देयर वेट की रेशियो किसके इक्वल आएगी इक्विल रेशियो की इक्वल आएगी प्रूव करते हैं अब कैसे हमारे पास वेट की रेशियो इक्वेलेंट मास के इक्वल आएगी इसके लिए हम फिर से एक इलेक्ट्रोड सोल्यूशन ले लेते हैं हमने यहाँ पे बीकर ले लिए और इसमें हमने क्या डाल दिया इलेक्ट्रोलिटिक सोलूशन डाल दिया इसमें कौन सा डाला हमने सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म में डाला वाटर प्रेजेंट है इसमें हमने डाला कॉपर सल्फेट का सोलूशन एक्स फॉर्म में और इसमें इलेक्ट्रोड्स लेने आप इसमें इलेक्ट्रोड ले लिए और इसमें भी अब यो जो वाले हमने ये जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, वो सेम लिए हैं। इसमें कॉपर है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे पास कॉपर बात समझ में आई क्या लिया है हमने इलेक्ट्रोड सेम लिए हैं, सेम मेटल कॉपर के और इसमें सिल्वर है तो यहां पे हमने कौन से लिए सिल्वर क्लियर तो इसको सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए इसको बैटरी से कनेक्ट कर लीजिए लास्ट जैसे पे एनोड के थोड़ निकाल सकते हो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव सो नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड ये कौन सा हुआ कैथोड ये कौन सा हुआ एनोड ये कौन सा हुआ नेगेटिव कैथोड ये पॉजिटिव एनोड क्लियर तो अभी इसमें से करंट फ्लो करेगा लास्ट जैसे हमने उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात की थी फाइंड आउट किए थे किस पे रिडक्शन हो रही है किस पे हमारे पास क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है तो अभी यहाँ पे भी देखेंगे किस पे रिडक्शन होगी किस पे ऑक्सीडेशन होगी देखिए एग्जांपल लीजिए फर्स्ट में देखते हैं हम पहले सिल्वर नाइट्रेट के बारे में कॉपर सल्फेट का तो हमने लास्ट जो ट्यूटोरियल था उसमें भी एग्जाम्पल ली थी तो ये कॉपर सल्फेट वाली आप लास्ट ट्यूटोरियम में से सॉल्व कर सकते हो क्लियर अब तो ये आपको क्लियर भी हो गया होगा क्योंकि हमने दो बार एग्जाम्पल की थी इसको सॉल्व किया था तो अब सिल्वर नाइट्रेट का बचा उस पे देखती हैं किस पे ऑक्सीडेशन होगी किस पे हमारे पास रिडक्शन होगी एक साइड में नोट लिख लीजिए एक साइड में थोड़ क्लियर एनोड पे चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव तो इस साइड में कौन से जाएंगे नेगेटिव वाले जाएंगे नेगेटिव वाले कौन कौन से हुए एक तो हमारे पास एनओ थ्री नाइट्रेट हो गया एक्वस लिया है तो वाटर भी होगा क्लियर और हमने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो भी क्या है हमारे पास एक्टिव मेटल है तो ये भी हो सकता है ए, ये भी क्या हो जाए ऑक्सीडाइज हो जाए तो यहाँ पे हम क्या लेंगे सिल्वर सिल्वर लेंगे क्लियर ए जी भी ले लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसके जल्दी से नंबर राइट कर लीजिए देखिए देखिए जल्दी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए नाइट्रेट की पोजीशन क्या है ट्वेंटी यहाँ पे राइट कर लूँ और वाटर की ऑक्सीडेशन वाला वाटर लेना है सेवन नंबर तो रिडक्शन वाला है ट्वेंटी वन ऑक्सीडेशन वाला है तो यहाँ पे ट्वेंटी वन कर लो उसके बाद सिल्वर सिल्वर की वैल्यू कितनी सॉरी सिल्वर की पोजीशन कितनी है, कितनी है? 19. ये जस्ट पोजीशंस है ये नंबरिंग तो आ गई हमारे पास ट्वेंटी ट्वेंटी अब एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज होते हैं जिसकी एस आर पी वैल्यू एस आर पी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो हमारे पास लो हो अब लोग इसकी है सिल्वर की ए जी की तो ए जी क्या होगा हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा क्या होगा हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वही क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सिल्वर ने ऑक्सीडाइज होकर ए जी पॉजिटिव और वन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया लूज कर दिया बात समझ में आई यहाँ पे हमने इसलिए तीनों लिए क्योंकि हमारे पास सिल्वर भी क्या है एक्टिव मेटल है क्लियर तो वो भी इलेक्ट्रोड भी क्या करेगा पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में तो हमने इसकी वैल्यू भी साथ में ली फिर उसकी से राइट कर ली। जिसकी में आएगा। वो क्या करेगा पार्टिसिपेट करेगा तो कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ हमारे पास बेटा सिल्वर क्या पे देखते हैं क्या, क्या पॉसिबिलिटीज है अब कैथोड है नेगेटिव चार्ज क्लियर तो हमने पॉजिटिव इस साइड में जाएगा तोड़ वाली साइड में पॉजिटिव कौन से ले लिए ए जी साथ में वाटर अब ए जी का नंबर अभी अभी हमने राइट किया है नाइनटीन इस इस साइड में तो हमने वाटर का ट्वेंटी वन राइट किया था ट्वेंटी वन मीन्स ऑक्सीडेशन वाला नंबर राइट किया था रिडक्शन के लिए इसका नंबर कितना है बेटा सेवन क्लियर सेवन नंबरिंग पे आते हैं अब इस साइड में कौन रिड्यूस करेगा रिड्यूस कौन करेगा रिडक्शन किसकी होगी जिसकी एस आर पी वैल्यू क्या होगी हाई होगी बात समझ में आई अब क्या है कौन सा हमारे पास रिडक्शन करेगा जिसकी एस आर पी वैल्यू क्या है हाई है हाई किसकी है सिल्वर की तो कौन सा है रिड्यूस हो गया सिल्वर वन इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या किया इधर गेन किया क्या बना दिया सिल्वर बात समझ में आई ऑक्सीडाइज भी सिल्वर हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस भी कौन हो रहा है सिल्वर ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अब तो आपको क्लियर होना चाहिए क्लियर इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए फिर ही आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पता चलेगा कहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होगा कहाँ पे कौन रिड्यूस होगा क्लियर तो कॉपर सल्फेट वाली आप कर सकते हो क्या आ जाएगा कॉपर ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा कॉपर टू पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा किस पे कैथोड पे सो एनोड पे और कैथोड पे क्या होगा हमारे पास क्या फॉर्म करेगा कॉपर टू इलेक्ट्रॉन गेन कॉपर टू पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा हमारे पास कॉपर क्लियर ये वाली कॉपर की होगी ये वाली हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट की होगी क्लियर हो गया फिर डे लॉ के अकॉर्डिंग अब देखिए हम वेट रेशो ले रहे हैं यहाँ पे वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ कॉपर किसके इक्वल मास सिल्वर मास ऑफ़ ऑफ़ सिल्वर कॉपर के फर्स्ट से हम इसका सिल्वर का वेट निकाल लेंगे सिल्वर का वेट मोल के करंट की फॉर्मूला में पुट कर दीजिए कितना आएगा ऑफ़ सिल्वर इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन नाइन सिक्स फाइव ज़ीरो ज़ीरो इतनी वैल्यू होगी और कॉपर के लिए कॉपर का वेट सी यू इज इक्वल टू ई सॉरी यहाँ पे कॉपर इंटू आई इंटू टी अपॉन नाइन सिक्स फाइव ज़ीरो ज़ीरो क्लियर तो अब हमने क्या करना है इसको दोनों को क्या कर दें डिवाइड कर दें अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो देखिए आई और टी सेम है कट हो जाएंगे नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कट हो जाएगा पीछे हमारे पास क्या बच्चा ई ए जी एंड ई सी यू कॉपर के लिए तो ये वाली सेम रेशियो आ जाएगी क्लियर तो ये प्रूफ हो गया जो हमारे पास वेट डिपॉजिट हो रहा है वो किसके इक्वल होगा इकोवलियन मास के इक्वल वी कैन से इकोवेलियन वेट के इक्वल क्लियर बेटा दिस वॉज अबाउट फेडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ इसको आप एक बार फिर से स्टडी आउट अच्छे से कर लीजिए यह फॉर्मूला को हम आगे न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे यूज करेंगे क्लियर थैंक्स फॉर लिस्निंग